वीडियो के शुरू में मैं आप लोगों को ना बताता हूँ कि जो बंदा डिजर्व है ना, जो डिजर्व करता है टाइटल, सिर्फ वही बंदा ले। अब कल दो लड़के आए थे जिनका लेवल था 30 से 35, आप बताओ। अब ऐसे बंदे को क्या पता ये अचीवमेंट क्या है और ये चीज़ क्या है और साथ चिकन डिनर क्या है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे ज़रूरी रिक्वेस्ट यही है, वही बंदा है जिसको चाहिए, जिसको इसकी अहमियत पता हो, क्योंकि हम भी साथ चिकन डिनर करते हैं, ऐसे थोड़ी ना हटते, ना तो है कैफे, गेम खेलनी होती है, तो सारा सारा दिन गुजर जाता है कि एक दो दो ट्रॉफी जमा करने में। वो तो सारा स्कार्ड हम मिल के खेलते हैं, इस वजह से हमारी जब भी एक एक किसी को मिलती है तो चार हो जाती हैं, सबको मिल जाती है एक एक, और बाद में एक एक लगा के हम यहाँ आप लोगों का टाइटल करवाते हैं। तो सबसे बेहतर है कि वही बंदा है जो डिज़र्व करता है। और अगर आप टिकटॉक से आए हो तो आपको अपनी आईडी कमेंट कर दी है बस, और कमेंट सेक्शन में मेरी आईडी होगी, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। सिंपली कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, यूसी पॉपुलरिटी ऐसा वैसा कोई सी नहीं है, ठीक है। और स्टिल बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि आपकी बारी भी आ जाए, क्योंकि आपसे पहले भी काफ़ी लोग हैं जिनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने उठाई हुई है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने बंदे आप आए हो ना और आकर आपने आईडी कमेंट की है, सबका होगा, किसी एक का भी नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा सा ज़रा सब्र भी किया करो, अभी तो मेरे ख्याल से 2 महीने पूरे ही पड़े हुए हैं, तो सबका ही होगा। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको समझाना है कि सीन क्या होता है, सारी बात है सीन की। तो उतरते बस आपने कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली नेड और मोली आपने नहीं पिक करनी है, क्योंकि उससे बैक स्पेस कम हो जाती है। उसकी जब जगह आपको करने हैं 10 स्मोक, और सॉरी वॉइस ओवर में पहली दफ़ा कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया, तो इधर उधर निकल गया, तो उसके लिए शुरू से मैं सॉरी कर लेता हूँ। और स्मोक आपने करने हैं 10 से 12 पिक, क्योंकि स्मोक ही है जो हमें बचा सकता है। और वीडियो में आप देख रहे हैं कि पहले हमें ट्रॉफी लगाई, फिर पीसीस जमा किए, जैसे ही पीसीस जमा हो रहे थे पबजी हमें एक ड्राफ्ट दे रहा था जिसमें 4 बंदों की लूट होती है फाइट के लिए। लेकिन मेरा तो यही मानना है फाइट से आप जितना इग्नोर करोगे ना, जितना दूर भागोगे, उतना आप जल्दी ज़्यादा सर्वाइव करके रखोगे। फाइट लेने बैठ जाओगे तो खैर है, हम तो नॉक हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन आपका टाइटल रह जाएगा। और अगर आप नॉक फिनिश हो गए तो हमारा टाइटल करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी टाइटल है। तो शुरू के दिन की 3-4 ट्रॉफियाँ हमारी वेस्ट हुई सिर्फ ये टेक्निक समझने के लिए कि कौन सी भाई साहब निंजा टेक्निक लगाई जाए, जिसके साथ हम इजीली जो है ना वो 40 सेकंड सर्वाइव कर सके। 40 सेकंड ही मुश्किल है, बाकी बहुत इजी है, बहुत इजी है। लोकेशन हमारी मैप में बेशक जा रही है, लेकिन हम उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे एनिमी ना आए, और अगर आए भी तो हम उसको इजीली डाउन कर सकें। सारी बात है वो 40 सेकंड, वो हथौड़ा मारने वाला। पहले लेजेंडरी टीम में ये नहीं था, तो अभी है। यहाँ पे नोवो आ गए हैं, जितने बंदे 24 के 24 वो इधर ही कंटेनरों के पीछे छुपे हुए थे और हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो टीममेट ने गाड़ियों का कवर छोटा मोटा बनाया, लेकिन ये कोई ख़ास काम नहीं आया, क्योंकि हम इसमें नोवो फिनिश हो ही गए थे तकरीबन। बंदे पहले से इधर हैं और वेट कर रहे हैं कि कब स्टेज 4 खुले। 47 सेकंड के बाद ओपन होने वाली है, वो गाड़ी एक आ रही है, 2 गाड़ियाँ, एक बंदा ये भी आ गया, और एक गाड़ी वो सामने के वेयर हाउस में ऑलरेडी आके रुकी हुई है, जो कि एंड पे सारी गेम ख़राब करेंगे। तो टीममेट्स को मैं कह रहा था ये एक एक को जो है ना पकड़ते जाओ, एक इसको पकड़ा, 2 बंदे इधर आए, तो मैंने कहा इसको भी टाइम से पकड़ो ताकि ये तो जान छोड़ें, ये सिंगल सिंगल वाले ये ज़्यादा ही कुछ तंग करते हैं। इन दोनों को फिनिश कराने गए तो एक टीममेट मेरा इधर ही मर जाता है। खैर उसका मसला नहीं है, उसके टाइटल उसके पास बहुत सी ट्रॉफियां हैं, हम दोबारा कराएंगे आपका इंशाल्लाह, तो उसका भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस मैच में हम तीनों का हुआ, ये हम खुद ट्राई कर रहे थे कि किस तरह आप लोगों का करवाया जा सकता है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है ना ही कोई मज़े की वीडियो, पर देख लेना एक बार, क्योंकि हमारे भी चिकन बच जाएंगे और आप टाइटल लेने आए हो। और ट्रॉफी जब लग जाती है ना, उसके बाद टाइटल हो या ना हो, ट्रॉफी तो जाती है वेस्ट है। तो कोशिश तो यही होती है आपकी ट्रॉफी लगाई जाए और आपको टाइटल मिले, लेकिन बस क्या करें, पाकिस्तानी आवाम आ जाती है रश करने। इधर मेरे एक टीम में नॉक फिनिश हो गया है, और पीछे वेयर हाउस में जो गाड़ी आई थी वही अब हमको तंग करेंगे, मुश्किल से ही लगा। खैर यहाँ भी
इधर मैं भी डाउन हो गया। डाउन होने के बाद मेरा टीममेट मुझे रिवाइव देने आया। मैंने उसको बोला कि आपने रिवाइव नहीं देना, आप बस हथौड़ा मारो और मज़ीद टाइमर जो है ना। मसला ये है कि स्टेज फोर में टाइम बहुत जल्दी जाता है, समझ ही नहीं आती। तो एक टीममेट लग गया इसको रिपेयर करने में, दूसरा करने लग गया रिवाइव। रिवाइव के बाद फिर ये थोड़े वाले भाई हमारे डाउन हो जाएंगे, मैं उठ के फिर से थोड़ा पकड़ लूँगा और फिर से भाई सब नॉक हो जाऊँगा, चेक करो। अब मैंने टीममेट को कहा आप रिवाइव छोड़ो और बस शुरू हो जाओ। यकीन मानो ये वाला टाइम बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें आपको जितनी स्मोक है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और पड़ गया फाइनली यार। नहीं है ना हमारे पास, ये तो वैसे है। तो जीजी जेली फिश के